नमस्कार लता ओडिया किचन रे आपण मानको अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानको सहित शेयर करिया पे नेकि आसी आम ओडिसा रो फेमस पखाळर रेसिपी। पखाळ तो एमती आमे बहुत प्रकार रो तयारी करथाउ, जेमती कि सजा पखाळ, बासी पखाळ, दही पखाळ आउ छुंक पखाळ, एमती बहुत किछि। तो सेइ मध्यरो मु आज आपण मानको तयारी करिके देखेबी दही पखाळर रेसिपी। दही पखाळ खाया पे बहुत भल लागे आउ पखाळ होउछि आम ओडिया मानकर परिचय। आउ ए पखाळ को नै मध्य आमे बहुत गर्व करिथाउ। ताले चालंतु आउ डेरी करिबानी, फटाफट स्टार्ट कर देबा आज रेसिपी। आउ जदि आपण मानको मोर वीडियो भल लागो जे ताले प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिबे। आउ मो चैनल रे जदि नुवा करी विजिट करछंती ताले प्लीज सब्सक्राइब करिबे। आउ पाखरे थिबा छोटो बेल आइकन को मध्य क्लिक करिबे, जहा द्वारा मो अपलोड करथिबा सब नुवा नुवा वीडियो रे नोटिफिकेशन आपण पाई परबे। ताले चालंतु फटाफट स्टार्ट कर देबा आज रेसिपी। प्रथमे मु एठी 100 ग्राम अरुआ चावल रो भात को प्रस्तुत करी। आउ भात सब आपड़ थंडा ही नेबे, आउ गरम भात केबे भी नेबे नी। जदि आपण गरम भात नौछंदी ताले दही पकेला परे दहीटा छिंडी जाय थाय गरम रे। आउ मु एठी अरुआ चावल रो भात नै छी, आपण चाहिले उसुना चावल रो भात को नै पारिबे, आपण को जेमती पसंद आपण सेमती नै पारिबे। तो भात उपरे मु एबे पानी को दोउची, तो पानी भात जे पर्यंत लेवल हे कि अछि सेई पर्यंत आमे पानी को दबा, ताठो अधिक पानी दबानी, नहले बेसी पानी पानी लागिबो पखाळटा। तो पानी दे सारापर एबे आमे दही को आड करिबा। तो दही मु एठी टिके खटा दही नै छी, आपण चेष्टा करिबे टिके खटा दही नवापाई, ताहले जे कि आमर पखाळर टेस्टा टिके भल लागिबो। तो दही मु एठी पूरा पूरी 6 चम्मच दही दे छी, आपण चाहिले दही रो अमाउंट को कम बा अधिका करि परिबे। दही दे सारापर देखंतु मु एठी आंब कसिया अदा 1/2 इंच खंडे एठी छेचिकी नै छी, तो बढ़िया टेस्ट आसता है आंब कसी अदा देलापर। आउतापर ये देखूँ मु लुण स्वाद अनुसार देदेवि, आपण जिते अमाउंट भात नहीं ताकू देखी ही लुण देवे। तापर आउ टिके टेस्ट बढ़ियापाई मु एठी कला लुण यूज कर 1/2 चामच। तापर ये मु कटा धनिया पत्र किछि दउछि, आपण धनिया पत्र देबे निश्चय। धनिया पत्र दे सारापर एबे आमे सबु जिनस को भल भाव मिक्स करनबा। एबे मु सबु जिनस को भल भाव एठी मिसेई सारिणि। तो एबे ए दही पखाळ पाई आमे गोटे तड़का प्रस्तुत करिबा बा फुटण प्रस्तुत करिबा। ताले चालंतु तड़का को प्रस्तुत करे पाई एठी मु गोटे प्यान नेइछि, आ से प्यान रे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल नेइछि। तो कम तेल रे भी बढ़िया फुटण हबो। तो फुटण करिया पाई एठी मु 1/2 चम्मच जीरा, आ 1/2 चम्मच पान मधुरी, आ 1/2 चम्मच सोरिष को नेइछि। तो ये मुझे आड करुच्ची, आपड़ चाहिए पंचफुटण दे पारे, बट पंचफुटण से जेहेतु मेथी दाना थाए, से मेथी दाना कौन हुए पखाड़ पड़ला पटे जो आसे बहुत पिता लगी थाए। तो आपत एमती खाली सोरस पान मधुरी ने बहुत बढ़िया टेस्ट आसो। तो तापर मुठी 3 शुखला लंका आउ कि भूसुम पत्र पकई नहीं देखूँ 2 पीस खंडे हेंगु पकई, हेंगु दे बढ़िया फ्लेवर आसता है। तो यहाँ आम मीडियम फ्लेम रे ही रखिकी सब फुटाण कर। आउतापुर कंचा लंका 3 मुझे चीरा लगे की देची, तो टिके भाजी नबा भल भाव। तो टिके तले भाजी हो गोटे भल बास्ना से आसीज आमर फुटाण प्रस्तुत हो जाए। तो एबे आमे गैस रो फ्लेम को बंद करदे, एबे चलंतु नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। एबे पूर्वर गोल रखि दही पखाळा उपरे आमे फुटण को पकेबा। तो से दही पखाळा रो किछि दही पानी से प्यान उपरे मु देइ नउछि, जहाद्वारा कि आमर फुटणटी भल भाव प्यान रु छाड़ी आसब। तो ये देखते मु किछि दही पानी प्यान उपरे देकी भल भाव दही पखाळा उपरे मु पकई नहीं फुटण को। तो एबे भल भाव यहाँ मिक्स करनाबा। एबे आमर दही पखाळा पूरा पूरी रेडी खायापाई, आपण ये दही पखाळा सहित जेकोसी भजा भजी लगे कि खाईपर बहुत बढ़िया लगे। स्पेशली यह खरा दिने बहुत बढ़िया लगी था दही पखाळा। आउ देखु मुझे ये कि पियाज आउ कटा लेंबू सांगे ये सजे नौचे, ताहले आपण एहाको निश्चय तयारी करंतु आउ तयारी करी खांतु। आउ केमती लागिला आपणक अनुभूति मो सांगरे शेयर करिया को बिल्कुल भी भूलिबेनी। ताहले आज पई रहूची, पुणी आसीबी आउ गोटे नुआ रेसिपी नेकी। से पंत रहिली, नमस्कार, बाय, जय जगन्नाथ।